पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इसको लेकर तीन धारणाएं हैं। सबसे पहली और सबसे प्रचलित जो पृथ्वीराज रासो में है, जिसे इतिहासकार सिरे से नकारते हैं, मत चूको चौहान। फिर भी रासो के इस कथानक को एक बार सुन लीजिए। पृथ्वीराज के राजकवि चंद बरदाई ने रासो में लिखा है कि युद्ध में पृथ्वीराज बंदी बनाए गए और उन्हें गजनी ले जाया गया। जब पृथ्वीराज ने गोरी के सामने नजरें नहीं झुकाई तो गोरी ने उनकी आंखें निकाल ली। फिर चंद बरदाई ने भेष बदलकर गोरी से मुलाकात की और उसे पृथ्वीराज के शब्द वेदी बाण के बारे में बताया। गोरी को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक जन प्रदर्शन रखवाया, जिसमें पृथ्वीराज ने गोरी की आवाज और चंद बरदाई की बताई गई दूरी के अनुमान पर अपना शब्द वेदी बाण चलाकर गोरी को मार दिया। फिर चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को कटारे घोप कर मार देते हैं। ये बड़ा ही सुंदर कथानक है, बड़ा ही नाटकीय प्रसंग है, लेकिन केवल साहित्य की दृष्टि से, क्योंकि ये एक महाकाव्य है जो लोगों के दिलों में जल्दी घर कर लेता है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही हैं। पहली बात तो ये बताइए कि चंद बरदाई ने मरने के बाद पृथ्वीराज रासो कैसे पूरा किया होगा। दूसरी बात, पृथ्वीराज रासो के भी कुछ संस्करण हैं, लेकिन उन सबसे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोरी सन 1206 तक जिया और उसकी हत्या झेलम नदी के किनारे खोखरों ने की थी। तो यह असंभव है कि सन 1192 में पृथ्वीराज गिरफ्तार हों और 14 साल कैद में रहने के बाद सन 1206 में मोहम्मद गोरी को मारें। तो महाकाव्य केवल साहित्य है जबकि ऐतिहासिक तथ्य ही सत्य हैं। अब दूसरी संभावना की बात करते हैं, जिसका वर्णन विरुद्ध विधि विध्वंस में मिलता है। इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान युद्ध में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब तीसरी संभावना पर आते हैं, जो इतिहासकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अनुसार तुर्कों से संघर्ष जारी रखने का संकल्प लेकर पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर तराइन के मैदान से बाहर निकले, लेकिन सिरसा के पास गिरफ्तार हो गए। इसका वर्णन हमें हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध और मुस्लिम स्रोतों में भी मिलता है। तो इसके अनुसार गोरी पृथ्वीराज को अजमेर बंदी बनाकर ले गया और उसने उन्हें वहां अपने मांडलिक की तरह स्थापित किया। फिर जब पृथ्वीराज ने विद्रोह किया तो पृथ्वीराज के खास सलाहकार प्रताप सिंह ने गोरी को इसका रहस्य बता दिया और फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दे दिया।